दोपहर के बजे हैं 4:30 बजे और ये दोनों अपना फ्रेश होने आए, और मेरे हाथ में है जोई। तो ये तीनों की तीनों एक ही गली के अंदर घूम रहे हैं। तो जोई को पहली बार हम इनके साथ लेके आए हैं दोनों के। तो बब्जी की लात के अंदर ना अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे जैसे लग रहा है, पर काफी हद तक ना लात टिक गई है। आप देखो कि अगर आपके घर में दो बड़े गार्ड डॉग्स हैं, देखो वो कैसे सोते हैं, कितनी बड़ी जगह लेते हैं, आधे बेड से ज्यादा कवर कर लिया ये देखो। और आके ना मेमोरी ग्लैंड जो स्वेल हुए थे वो काफी हद तक ठीक हो गए, है ना? पर नहीं मन्नी अभी नहीं, उसको पेन है, तेरे को बात समझनी चाहिए। तेरे को मैं मना कर रहा हूँ, नहीं प्लीज। घर पे पानी भी नहीं है, अभी इस बच्चे के हाथ धुलवाए हैं और इसने फिर ड्रामा शुरू कर दिया। दो ही दो ही को बब्बी दिख रही है तेरे को, ये दो ही है। तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं और मन्नी आपका स्वागत करते हैं नमितोलॉजी में। संडे कल रात को आए 3:30 बजे, बुरा हाल, बच्चे नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर से बच्चों को लेने। सुबह से घर के अंदर एक बूंद पानी नहीं है, हम सुबह पानी चलाना भूल गए मोटर, तो टॉयलेट में भी पानी नहीं है। दोपहर के बजे हैं 11:30, 11:40, हम जा रहे हैं बच्चों को लेने नानी के घर से। अब उनकी सुसु पॉटी कैसे साफ होगी ये हमें नहीं पता, पर लाना जरूरी है क्योंकि नाना नानी भी पूरा हफ्ता करते हैं, तो उनको भी एक दिन थोड़ा सा, मतलब इट्स ए ह्यूमन थिंग कि आपको उनको भी थोड़ा आराम देना चाहिए, उनको भी अपना टाइम चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू टू ऑल द एल्डर्स, मेरे मम्मी पापा, मन्नी के मम्मी पापा। सेकेंडली सबसे बड़ी बात, पानी नहीं है तो बब्जी और लेडी ऑली को आज मैं प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कर पाया, जो हर रोज सुबह करता हूँ, कॉम करता हूँ, थोड़ा पानी से मुंह पोंछता हूँ। तो अभी वो ऊपर बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर एसी चला के, जोई बाहर बैठी हुई है, जोई को आके ऑफिस के अंदर छोड़ूंगा, क्योंकि अभी छोड़ूंगा तो पीछे से ऑफिस की हालत ये ऐसे कर देंगे कि जिसके लिए पानी की बाल्टियां भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो फालतू की बकवास करते हैं बंद, चलते हैं सीधा बच्चों को लेके आते हैं और आज का दिन कैसे जाता है बने रहना पूरे एंड तक, ठीक है मन्नी? प्रभजोत ने ना वीडियो निकाली है, मम्मी ने साफ मना कर दिया फॉर बिग बॉस। अब ना जब से यूट्यूब वाले चले गए हैं ना बिग बॉस में, तो सारे जो ये एमिनेंट यूट्यूबर्स, डेली ब्लॉगर्स, इनको लगता है कि इनको, सबको लगता है कि अब हम सब बिग बॉस में जाएंगे। मतलब यार गाइस, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं, मैं ये बेसिकली यही सोचता हूँ कि ना बहुत किस्मत वालों को ये चांस मिलता है। तो अभी हम जैसे डेली व्लॉग्स करते हैं और हम बहुत सारे डेली व्लॉगर्स को फॉलो भी करते हैं, जैसे अरमान मलिक फॉर इंस्टेंस, जिनके रिस्पेक्टिव फैमिली के अंदर दो वाइफ्स हैं और बच्चे हैं, अब तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, ठीक है? एंड ही इज डूइंग गुड फॉर हिज फैमिली और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत दिमाग वाला बंदा है। तो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, जो हमें समझ आया कि वो भी बिग बॉस में जाना चाहते हैं, सबका ड्रीम होता है। तो एल्विस यादव गॉट द चांस, एंड एल्विस यादव को आपको पता ही है कि ही इज ए जैम पैक्ड पर्सन। जैम पैक्ड मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर वो कहीं जाता है तो पूरा एरिया जैम पैक हो जाता है, ठीक है? और ये चीज प्रूवन भी है पास्ट के अंदर। तो आई थिंक जैसे जैसे पब्लिसिटी बढ़ रही है तो फेलो यूट्यूबर्स, चाहे वो सौरभ जोशी व्लॉग्स हो, फ्लाइंग बीस्ट हो, ठीक है, जट प्रभजोत देखते हैं, मुंबई का निखिल देखते हैं, तो सबका एक अंदर से इच्छा है कि हम जाएं, वी गेट द नेशनल रिकॉग्निशन कि हमें सब जाने और फिर हम आगे, आपको पता है, सक्सेस पाथ खुल जाते हैं। तो मन्नी यही कह रही थी कि सबका ना थंबनेल, सबकी बातें, चाहे वो अरमान मलिक हो, चाहे वो जट प्रभजोत हो, सब एल्विस यादव को एक रोल मॉडल मानते हुए बात यही रह गई। तो हमारा भी सपना, हम भी किसी दिन बिग बॉस जाएं और बब्जी को लेके जाएं और लेडी ऑली को लेके जाएं और जोई को लेके जाएं। तो एक फैमिली ऐसी जाए बिग बॉस के अंदर कि इंडियन नेशनल ड्रामा ही चेंज हो जाए, कि यार एक फैमिली ऐसे गई है जिसके अंदर उनके दो बच्चे नहीं आए हैं पर साथ में पेट्स आए हैं, और पेट्स से जिन जिन लोगों का फियर है कि रॉटवाइलर्स रखना घर के अंदर सेफ नहीं है, तो वो परसेप्शन चेंज हो, दुनिया को एक नॉलेज मिले कि यार हाँ हम पेट कर सकते हैं, ताकि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लीगल ब्रीडिंग से, इलीगल ब्रीडिंग से, स्ट्रे डॉग्स हैं, सबको एक एक घर मिले, क्योंकि ऐसी विजन हम चाहते हैं। तो हम भी अंदर से चाहते ही हैं, चाहते हैं ना हम। अरे मेरे मैं कहीं ना जा रही, मैं अपने यही खुश हूँ इस घर पे 2 BHK में, जिसमें से एक कमरा ही है, दूसरे में तो AC भी खराब है। मैं खुश हूँ भाई, मेरे ज्यादा अरमान नहीं है।
मेरे बच्चे हैं, तुम हो, डेली लाइफ है, हसल वसल, यहाँ पे नहाने तक का तो टाइम नहीं मिलता, बिग बॉस जाऊंगी मैं, नहीं जा रही। तो भाई संडे का दिन है और कल बच्चों को हमने नानी के छोड़ दिया था सनी सर की पार्टी के लिए, तो आज सुबह लेकर आए हैं, तो उस वजह थोड़ा कंपनसेट करने के लिए बच्चों को लाए लंच के ऊपर, तो बच्चे यही खाते हैं चटर मटर, तो हम भी वही खा रहे हैं। शिपू सिर्फ सांभर और नारियल की चटनी को खाने में इंटरेस्टेड है, जेजू अपना डोसा खा रहा है, थोड़ा सा साथ में मिर्ची लड़ रही है, पानी भी पी रहा है। राहुल और मैं हनी चिली पटेटो वगैरह खा रहे हैं, दीदी वहाँ पे आराम से बैठ के अपना डोसा, हनी चिली पटेटो और स्प्रिंग रोल खा रही है। दीदी स्वाद है, दीदी डोसा भी चम्मच से खा रही है, दीदी अपने हाथ नहीं गंदे करेगी किसी भी कीमत पे, नहीं ना दीदी? दीदी राहुल ने चम्मच से डोसा खा रही है। दोपहर के बजे 4:30 बजे और ये दोनों अपना फ्रेश होने आए, और मेरे हाथ में है जोई, तो ये तीनों की तीनों एक ही गली के अंदर घूम रहे हैं। तो जोई को पहली बार हम इनके साथ लेके आए हैं दोनों के, और मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे फ्री हो जाएं, देखा देखी में ही फ्री हो जाएं। जोई कम, बब्बे ओला कम, कम कम, बब्बे कम, उधर नहीं जाना, समझ आती है ना बात? वेरी गुड। नाउ सो बब्जी की लात के अंदर ना अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे जैसे लग रहा है, पर काफ़ी हद तक ना लात टिक गई है। तो ये तीनों के तीनों देख लो, अब आगे जाके आपको हमेशा इन तीन ही दिखेंगे, इन तीनों की तिगड़ी बन चुकी है। बब्जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया लेडी जोई को अपने पैक के अंदर, और जोई को देखो हमने किससे बांधा हुआ है, क्योंकि हमने इसको अभी लीश की आदत डाली नहीं है, बट इसका भी बहुत मन करता है औरों को देख के कि मैं भी बाहर जाऊँ, तो ये हमने पीछे से इनको लेके आए हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, ये देखो, और ये वो देखो उसके पीछे पीछे जाने की पूरी कोशिश कर रही है कि मुझे भी साथ ले लो, पर नहीं अभी नहीं, ये देखो अपना फ्री हो रहे हैं ये, और यहाँ पे ही घूमते रहेंगे, अगर मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आगे नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, बब्बी वहाँ तक जाएगा और फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। वापस आ जा, वापस आ जा, समझ आ रही है बब्बे, कम बैक। देखो मुड़ गया है और वहाँ तक नहीं जाएगा, और यही ओली भी वहाँ तक नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँगा ये दोनों पार्क में जाएंगे। कम लेडी ओली, कम बैक, कम बब्बे, कम बैक। जोई का ना बड़ा मन कर रहा है अंदर जाने का, वो देखो अंदर तो दोनों के दोनों मुस्टंडे ना अंदर फ्री होने चले गए हैं, और ये देखो इसको मैं अंदर नहीं जाने दे रहा क्योंकि ये नीचे रूम्स में रहती है, मैं नहीं चाहता कि इसकी रोज हम सफाई करें, अभी थोड़ा टाइम और रुकेगी है, पर खड़े होने का पोस्चर देखो आप, नाउ नाउ इधर आ जाओ, खड़े होने का पोस्चर देखो, बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड है, ठीक है, अच्छा देखो चमेली से मिलाए, तेरा इंकाउंटर नहीं हुआ ना चमेली से, अच्छा 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 कम, पर देखते हैं चमेली से क्या करती है, अच्छा तो वो देखो पूरी चमेली लेटी हुई है, चमेली चिल्ला रही है उसके ऊपर, और ये देख रही है कि मैंने क्या किया है, मैं सिर्फ उस पैक का एक मेंबर ही तो हूँ, तेल लड़ाई तो अल्फा से हुई थी ना, मेरे से थोड़ी हुई है, मैं तो एक छोटी बच्ची हूँ। तो हमने जोई की लीश आगे रखी हुई है, ये एक इलास्टिक है नाड़ा टाइप, और ये देखो एक स्ट्रेच हो जाता है, जितना मर्जी खींचो, तो ठीक है बच्ची को एटलीस्ट बाहर आने का समझ तो आ गई है, ठीक है ना, चल आ जा, आ जा जोई, चल 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 जल्दी आ जा, कम 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 कम, ओला बब्जी कम आ जाओ, ओला बब्जी क्या हुआ है? वो नहीं आ रहा, वो उधर बैठा हुआ, क्यों? ये तो इधर आके बैठ लीजिए बब्बे, ओला कहाँ है? ये नीचे बैठ गई, ओला नीचे बैठ गई, आते ही हैं क्या करने आई है? जेजू ओला आई है, देख वह ओले ओले, और जेजू ना नींद से उठ गया ओला का नाम सुन, ओला आया है, ओली आई है, बुलाओ ओली को, दूध पी लिया आपने? दूध की बोतल ना पी के मुझे दे गया कि दूध पी ले, मैं क्या पीऊं, आप तो सारा दूध पी कर वापस आ जाओ, जे पापा गुस्सा करेंगे आपको, ओला हाँ रुक जाओ, और ये जे को देखो पंगे लेने शुरू हो गया फिर से, जे कौन आई है? लेडी ओली आई, ओली नहीं लेडी ओली, बोलो लेडी ओली, हाँ लेडी ओली, लेडी ओली, ओला अंदर कहाँ जा रही है मेरे अलमारी में, ओला अपने आपको शीशे में देखने चली गई, देखना
अपने आप को शीशे में देख रही है। लड़कियां ना चाहे किसी भी उसमें हो ना स्पीशीज में शीशे का शौक पूरा रख। डांस कर रहे हो, ओला को डांस करके दिखा रहे। ऑल्टन ऑल्टन अपने आप को शीशे में देख रही है। सुंदर लग रही है। क्या है चिल्लाता क्यों है शिवू? अब तूने पापा का चश्मा पकड़ लिया है। किसको देख रहा है बेटा शीशे में? कौन है? किसको देख रहे हो आप? हैं? ओ ओला ओलू ओला द पोला। नहीं ओला पीछे हो जा, देख मेरे कंबल पे ना सारी थुक के बाहर। ड्राई क्लीन कराना पड़ना है फिर मैंने। हैं? ओला चल एसी में बैठ जा चुपचाप, ठीक है? चलो। और यहाँ बब्जी भी आ गया। कहाँ चला गया था बब्जू? पानी पीने गया था। प्यास लग रही थी इसको। बबे सेट ओला सेट बैठ। बबे सेट जे ना बैठ। सोता सोता उठ के बैठ गया। अच्छी वाले मैं सुला रही हूँ। आधे सुई को बाहर कर दिया मैंने अभी थोड़ा टाइम। आई बेचारी बेचारी नहीं है खाना खाने गई थी। बब्जी ने जगह पकड़ ली है बेड के साइड पे। ये बचपन में भी ऐसे ही सोता था हमारे साथ। हाँ बब्जी है। अब आप देखो कि अगर आपके घर में दो बड़े गार्ड डॉग्स हैं, देखो वो कैसे सोते हैं, कितनी बड़ी जगह लेते हैं। आधे बेड से ज्यादा कवर कर लिया। ये देखो ये आधा बेड है। ये देखो कितने बड़े होते हैं ये। ये देखो और ये देखो ये कैसे देख रहा है आपको साइड से, है ना? हम सारे जब ऊपर मम्मी पापा के घर रहते थे। ओए उसको धक्का मार के हंस रहा है। ओए मत कर सिर मत हिला। तुम्हारा चश्मा फिर उसके पास पहुंच गया। मेरा चश्मा मुझे नहीं पता। मैं हमेशा के यही करता रहूंगा 24 घंटे। मेरे ऊपर क्यों येल कर रहे हो? हाँ तो फिर मेरे को मत बोल। तुम्हारा चश्मा तुम्हारा चश्मा। तू भी देख ले एक बार बच्चे को। कितनी बार ड्रॉअर में रखूं? चुप हो जा। ओला के ना मेमोरी ग्लैंड जो स्वेल हुए थे वो काफी हद तक ठीक हो गए। डॉक्टर पे डेली ना दवाई है ना। हाँ तो ना अगर कोई भी जो नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली में भी रहते हो पेट्स के लिए आपको कई बार कुछ होती है परेशानी तो आप डॉक्टर पटेल को कर सकते। और सबसे अच्छे बहुत इंटेलिजेंट है और आपको अगर बात बिल्कुल ठीक करते हैं तो ना उसको ये भी नहीं है कि मेरे को रिकॉर्ड मत करो। हाँ ठीक है ना। नहीं तो काफी मैंने बड़े ना पेट क्लिनिक्स देखे जो गई नहीं नहीं हमें वीडियो मत लो नहीं नहीं हमें वीडियो मत लो ठीक है हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी अपनी प्राइवेसी। वो बब्जी है वो लेडी ऑली नहीं है। तो देखो बब्जी मम्मा के बिल्कुल साइड पे जाके ना मम्मा से प्यार लेने के लिए चला गया और कह रही है लेडी ऑली कह रही है कि मैं कैसे पीछे रहूंगी। ये रहे हमारे दो ह्यूमन चाइल्ड जे शिवाय नमिता फ्रॉम नमितोलॉजी बब्जी और ये रहा हमारी सबसे सुंदर लाडो रानी। अच्छा जी अब आपको हेल्थ अपडेट दे दूं। अच्छा सबसे सुंदर तू चल ठीक है चल दिया तेरे का। तो इसकी हेल्थ अपडेट है इसके पैर के अंदर दर्द कम हो गई है। अब ये इसका पैर पड़ने लग गया। इंजॉय कर रहे हैं ये मम्मी के साथ। लेडी ऑली के मेमोरी ग्लैंड जो स्वेल हो गए थे आखिरी के दो बिल्कुल ठीक है। दूध निकाल दिया है हमने। डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया था कि आप उसको निकालिए चाहे प्रेस करके निकालिए। नहीं मन नहीं अरे मैंने पकड़ा हुआ अभी नहीं उसको पेन है। तेरे को बात समझनी चाहिए। तेरे को मैं मना कर रहा हूँ नहीं प्लीज उसको पेन है मेरे बच्चे समझ। पेन के अंदर डॉग एग्रेसिव हो जाता है। जे ये छोटी मन्नी है ना जो छोटी मन्नी छोटी मन्नी हो ना। चलो आ जाओ दोनों मुस्टंडो तुम्हारा हो गया नींदी पूरी हो गई। तुमने फैमिली के साथ टाइम बात लिया। आओ बबे चलो चले कम चलो 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 आ जाओ चलो बाय 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 करो सारे के सारे आ जाओ कम बबे कम बब्जी आ जाओ कम बबे आ जाओ आ जाओ चलो 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 जल्दी आ जाओ जल्दी आओ इधर आओ इधर 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 इधर। तो हम जा रहे हैं अब ऊपर। आपने फैमिली के साथ टाइम संडे स्पेंड कर लिया। चलो जल्दी भाग जाओ ऊपर भाग जाओ सीधा ऊपर चल बबे। अच्छा चल ले ना मेरे बच्चे क्या हो गया तुझे चलो कम चलो। हमारे घर पे पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो अब जाके शाम के बजे हैं 6 और हम चेक करने आए हैं कि क्योंकि सुबह से टॉयलेट बाथरूम में पानी नहीं है तो अब जाके पहली बार सुबह से बेड़ा साफ होगा। ये तुमने ताजा पानी चलाया है या मोटर का? बेचारे ये भी ना तरसे पड़े थे पानी को अब थोड़ा गीले वीले हो जाएंगे। और हमारे यहाँ ना शिव जी की वो चल रही है क्या बोलते हैं कथा 3-4 दिन की तो लाउड स्पीकर से ना आवाज आ रही है।
देखा राहुल ने छज्जे से ऊपर चढ़ रहा है देखने के लिए कि क्या कहते हैं मोटर भर रही है कि नहीं भर रही है। ये था बड़े खतरों के खिलाड़ी क्योंकि सीढ़ियों में ना सामान भर के रखा हुआ है, तो बेचारा पता नहीं कैसे कैसे चढ़ के मोटा गया, समझ लो 125 किलो का आदमी चढ़ रहा है ऊपर इनकी छत पे। पहुंच जाओगे? इनको तो डर लग रहा है। चढ़ गया। हाँ मोटे, क्या हुआ? देखा यार। क्या हुआ प्रॉब्लम? पानी चढ़ रहा है पर स्लो चढ़ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है तो स्लो क्यों चढ़ रहा है? अब कैसे उतरेगा मोटा? हेल्प चाहिए भाई? कोई भी चीज तोड़ जाए अपना पैर मत तोड़वाना, बस आ जाओ तुम। नहीं 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 ऐसे नहीं, किसी सॉलिड चीज पे रखो। हाँ भाई बंदर थोड़ी है, मैं उठाऊं गोद? दो मिनट चुप हो जा, मैं गिर जाऊं, कोई फायदा नहीं। किसी सॉलिड चीज पे पैर रखना। उधर गया मोटर, जमीन मिल गई। अच्छा वो डब्बे तुम इस्तेमाल कर रहे हो? क्या शर्म नहीं आती है? दे दो ना, मैं टिफिन आ जाएगा मेरा उसमें। एक ये और एक वो उसमें लपेटा हुआ। ये तुम्हारे बिक तो नहीं रहे? नहीं और बोल। एक वो पड़ा ना बबल रैप में, जोड़ा ही दे दो ना। तो आते आते मैंने दो डब्बे भी लेंगे। घर पे पानी भी नहीं है, अभी इस बच्चे के हाथ धुलवाए हैं और इसने फिर ड्रामा शुरू कर दिया। दो ही दो ही दो ही, बब्बी दिख रही है तेरे को? ये दो ही है बेटा, दो ही भी नहीं है, जो ही है। अपनी डिक्शन ठीक करनी तो जिंदगी भर के लिए दो ही बोलेगा। दो ही उसपे मच्छर, आई मीन जो ही उसपे मच्छर। जे काटी खाएगी, जे तेरी काटी खाएगी वो। जे कितना तेरे को डर नहीं लगता यार? मैं उसको मार रही हूँ जोई को कि वो तेरे को ना काटे, तो फिर उसके मुंह में हाथ दिए जा रहा है। हद है इस बच्चे की वैसे। जे चली गई जोई, जोई को ना दीदी ने लालच दे दिया किसी चीज का और अब वो बाहर वेड़े में बैठेगी आराम से हवा लेगी। जे आप वापस आओ, हाथ आ जाएगा बेटी का। दीदी को बेवकूफ बना के जोई वापस आ गई। ये क्या ले आया जेजू, ये क्या ले आया? और ये जुल्फे क्यों निकाली हुई है? मैं तेरे को गंजा करवा दूंगी जे। क्या करवा दूंगी? गंजा, गंजा। एक है ना बर्थडे आने वाला अगले महीने, ऑलमोस्ट पूरा एक महीना रह गया और अब मैं इसको सिखा रही हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना। जेजू बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो अच्छा जी, आप मम्मा को कॉपी करोगे? और ये आगे अलवेश यादव का पक्का भक्त, तुम्हें बहुत पसंद है ना वो लौंडा? हाँ भाई। तो तुम अपना नाम चेंज करके राहुल राव क्यों नहीं रख लेते? राहुल राव यादव। ओए एक तो तुम मेरी चप्पल अंदर ले आया, ऊपर से तुम मेरी नई चप्पल जोई से कटवा रहा है। जोई चप्पल दे दे, जब हाथ धोकर आ फिर से। तो गाइज इसी के साथ इस संडे व्लॉग को एंड करते हैं। मैं आज आपको शायद व्लॉग में बहुत कम दिखी होंगी क्योंकि मैं कैमरे के पीछे थी, आवाज मेरी खूब ज्यादा सुनी होगी। तो अब ये सोनी की सोनी शक्ल निहार लो, कैसी लग रही है? तुम ही बता दो कैसी लग रही हूँ मैं? कमी है, कभी नहीं रहेगा यार ये बंदा, कभी नहीं रहेगा अच्छी लग रही। चलो गाइज लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बताना आपको व्लॉग कैसा लग रहा है और तो जैसे ही हमारे घर का पानी का सिस्टम ठीक हो जाएगा आपको अपडेट दे देंगे। अभी के लिए बाय बाय।